अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 4 जून को एक घटना घटित हुई थी, 13,05,000 की लूट हुई थी थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में, जनपद गाजियाबाद में। उसी का आज सफल अनावरण हुआ है। 6 इसमें अभियुक्त पकड़े गए हैं, 2 अभियुक्त अभी वांटेड हैं। करीब 11,55,000 कैश बरामद हो गया है और जो गैंग पकड़ा गया है उससे उसने और भी विभिन्न जनपदों में विभिन्न राज्यों में उसने घटनाएं की हुई है। करीब 5 असले बरामद हुए हैं जो कि लाइसेंसी असले हैं और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। करीब 6 वाहन बरामद हुए हैं जिसमें से 3-4 पहिया वाहन जो है वो लूट के हैं, 1-2 पहिया वाहन लूट का है। तो बड़े पैमाने पे ये गैंग लूट करता था और कई इनके जो है गैंग के सदस्य वो काफी चर्चित घटनाओं में इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आया है। हम लोग अभी से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। 6 टोटल अभी गिरफ्तार हुए हैं। अब ये जनपद गौतम बुद्ध नगर से लूटी हुई है, थाना कासना की 3 राइफल हैं, 1 सूरजपुर की है, उनके मुकदमों से कनेक्ट हो गई है, उनके अब वादियों से संपर्क भी किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लूट के पीछे मोटिव ये था कि पिछले वर्ष 2017 में, जुलाई 2017 में एक यहाँ पे मर्डर हुआ था, उसमें एक अभियुक्त नवाब भाटी करके वो जेल में वर्तमान में बंद है, तो उसे पैसे की दिक्कत हुई, उसने अपने रिश्तेदारों को लगाया पैसे का बंदोबस्त करने के लिए और अपने ही एक रिश्तेदार से लूट की घटना को ये कारित कराया और भी अपने साथियों को उसमें इन्वॉल्व किया, पूरा गैंग बना के कार्य किया गया। अब ये हाई प्रोफाइल गैंग है, ऑडी कार भी इनकी से बरामद हुई है जो थाना सफदरजंग एनक्लेव पड़ता है दिल्ली में, वहां से लूटी गई थी और टोटल 3 ऐसे 4 पहिया वाहन है, एक एक्टिवा स्कूटी भी है, तो हाई प्रोफाइल गैंग है ये, कई वाहन और कई असले इसने लूटे हैं, कैश भी कई बार लूटा है। हाँ, एक इसमें से MBA में पढ़ रहा है लड़का, उसने BBA किया हुआ है और MBA में भी पढ़ रहा है। इजी मनी एज वेल एज क्रिमिनल एक्टिविटी दोनों ही जो है इनका है भाई, ये बेसिकली अभ्यस्त अपराधी हैं जिन्होंने पहले भी लूट की और ये सारी वारदातों को अंजाम दिया है। सर, कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड को कहा जाए तो इन्होंने आगे किन किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रखे थे, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन के पास से लेकर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारी इंटरोगेशन में आई है कि ये कुछ हत्याएं भी करना चाहते थे, उसकी डिटेल हम लोगों के पास आई है, अभी हम लोग डिटेल्ड उसे इन्वेस्टिगेशन में डेवलप करेंगे।